अस्सलाम वालेकुम ता दोस्तों, असा इस वक्त मवेशी मंडी च बैठे हैं और उस तो बाद छोको ये जहाज एक लेने पाया है कि डॉक्टर की सहूलत ही इस जहाज मौजूद है मंडी है कमर मशानी तो डॉक्टर साहब सारे को मौजूद हैं तो इन्होंने को पूछने कि इस वक्त डॉक्टर जी बीमारी है लिम्प स्किननी तो इसने के एकदम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर ना के मोहम्मद अदनान और तुसा डॉक्टर साहब ये दस दो कि जेरी बीमारी है लिम्प स्किन इसने बारे को एकदम के हैं। लिम्प स्किन के बारे देख तो पहली गल जानवर से इंटर ना होने दें पे ठीक हो गया जी। उस तो इलावा जानवर देते अगर कोई मसला वगैरह है उसको ट्रीट भी कर रहे हैं। अवेयरनेस जड़ी है वो एक जगह जगह जाके लोगों ने अवेयर कर रहे हैं कि कोई जानवर अगर मसला है कर दे इतने लैके ना आए ठीक हो गया। उस तो बाद अगर कोई जानवर मौके पर बीमार है तो उसको ट्रीट करके वापस गाड़ी भेज रहे फॉलोअप कर रहे हैं। तुसा यानी कि घर उनको वन की एकदम इसी वजह की बेसिकली वजह की ये वायरल इन्फेक्शन है एक तो दूसरे जानवर को फैलता है ठीक हो गया। उस तो बाद सब तो बड़ा मसला है वो वैक्टर है चिच्चड़ हो गया मक्खी हो गई मच्छर हो गई उस वजह तो असा मंडी के सवेरे के टाइम में स्प्रे भी कराया है ठीक चिच्चड़ था ठीक हो गया। गवर्नमेंट एकदम कर भी कि नहीं तो अपने को गवर्नमेंट दे जी गवर्नमेंट एकदम कर रही है मंडी मुकम्मल देखभाल करो गवर्नमेंट का मुकम्मल महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब। बहुत शुक्रिया जी। तुसा देखा है कि डॉक्टर साहब इतने मौजूद हैं और मुकम्मल अवेयरनेस देने पे हैं जी किस वक्त बीमारी है लिम्प स्किन असा अपने जमाने खां के जिसम से छोटे छोटे भरूड़ी नुमा निकलें और जिसम को गाल सड़ छेन तो उस वजह तो ये आए बैठे और स्प्रे भी न कराए और इसनी मुकम्मल एकदम आदरे देने पे। दोस्तों सर ना लिखो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनको पूछने की एक हल्की जी मशीन रखी पैन इसने के इसने बारे की इसने के पेश गोई है किस वजह तो इस्तेमाल करें। ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है। अल्ट्रासाउंड जैसे कि इंसानों में भी इस्तेमाल होता है जानवरों में भी हमल की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमल की तशखीस के अलावा इसके मज़ीद फ़वाद ये होते हैं जानवरों में जिनसी अमराज होते हैं जिसमें उनके बच्चादानी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है खाली जानवर जैसे यहाँ पे मंडी पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं इनमें से कई बकरियाँ मादा जानवर जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं लेकिन उनको मालूम ना होने की वजह से कंफर्मेशन ना होने की वजह से वो यहाँ पे बेच देते हैं और बाद में फिर वो अफसोस करते हैं कि हमारा कीमती जानवर बिक गया ज़ाया हो गया जी। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो बेहतरीन सहूलत है जिसके ज़रिए कंफर्मेशन मिल जाती है। तो जी दोस्तों भाई ये आखों ने मकसद है कि जेरे भाई ये तो सारे ताजर बरादरी चाहे सारे ईद रलन वाले हैं ईद करण वाले हैं वो इतने अगर चौखर घिनेन तो गबुण चौखर जरा है तो सही थे अल्ट्रासाउंड कराओ चेकअप कराओ ताकि जिस वक्त तो कुर्बानी ना जानवर तो जबा करो तो उस टाइम तो किसी परेशानी ना सामना न करना पावे जी। डॉक्टर साहब है ना जी इसी तरह की बात है और इसका मकसद भी यही है कि प्रेगनेंट जानवर और नॉन प्रेगनेंट में फ़र्क किया जा सकता है। लाइव स्टॉक की तरफ हो जी? नहीं मैं लाइव स्टॉक की तरफ से नहीं हूँ लेकिन मेरी ये अपनी प्राइवेट सर्विस है मेरा नाम डॉक्टर आमिर हयात है। बहुत शुक्रिया जी। जानवरों के ये जिंसी अमराज का एमफिल किया हुआ है मैंने इसमें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बड़ा सुथरा तो सोना पलो है डांद आँधी खेल इन्हें को पूछने की इन्हें को आवाम इस मेला घरों में ठंडा है इसने बारी पूछा और इस डांद ने ये मूल रेट किया मगने पहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितो आया भाई? सुल्तान खेल तू? सुल्तान खेल ने बड़े डांद पले पलाए आने पहनते उस तो बाद इसने रेट किया मगने पहने। रेट 2 लाख। क्यों रेट आज घट की थी खेले? रेट मंडी घटती गई आखिरी यानी कि मेला है इस वजह तो जी हाँ क्या पूछे भी है इसको पूछा है जी के बार रेट लगा इसना 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया रेट लगा तो कितने तक देने? 1 लाख थी। ये जरा सारा बुनियादी काम चला खल है इतने रेट घट थी होने वजह की है भाई मवेशी बहु इस बार मवेशी बहु यानी मेला ठंडा है थोड़े वास्ते। बहुत शुक्रिया तुसा देखने पाओ कि इस वक्त वात असा मौजूद हाँ पिछले सोमवार थी असा थोको मवेशी मंडी ने पूरा विजिट कराया और उस तो बाद बड़े सोने तो सुथरे जानवर इतने आए हैं फरोख्त वास्ते और इन्होंने मालिक मलकान वाली थोड़ी असा गल बात कराई है कि इन्होंने खर्चा कितना ने और इस दौरान असा वात मवेशी मंडी आए हुए हैं तो सारे कण एक बड़े सोने तो सुथरे डू वाड़ के साग हथे लगे हैं और इन्हें को पूछने की इन्होंने खर्चा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान कितों आया? मेरे शाह जो मेरे शाह अली जाया होते इन्होंने के मुल करने पाया 6 लाख डोई ना जोड़ी ना 6 लाख 6 लाख जोड़े ना कोई इसने मुल भाव लगे ये 5 लाख लगे लेकिन ये महंगाई ने दौरान इन्हें कीमत थोड़ी है
इन्होंने के इन्हें पालन पेट्रोल इतना महंगा थी चुका है 8 लाख ना जोड़ा है नहीं डीजल पेट्रोल दे इन्हें पीने तो नहीं लेकिन महंगाई 10 देना थी अरे ये थोड़ा आखिर मकसद है कि नहीं पे ये तो महंगाई 10 दोस्ती बोना बेना सारे बुनियादी काम जो है वो डीजल थे डीजल थे पेट्रोल किराया थी क्या सब शायद इतने डाले तो किराया था 1000 लेकिन 2500 ना 700 नहीं वंडा थी क्या वो भी मतलब हर शय ना सोरे और उस भाई ने के कितने अरसे तो तुसा इने को रखो है ये 3 साल तैयार थे ना एकदम 3 साल झेक दाना ये अपने नस्ल है या कथी मंगवे ने मंगवे ने भी यहां ते अपनी नस्ल ही बने ने घर दी सर देखण वाले भाई गडो जे शौकीन हजरत जे ये इन का जानवर ने काम करे उन तो के पैगाम दे तो उन को प्रोग्राम मेरे सा अच्छी नस्ल है लेकिन गाल इस महंगाई जे ने कदर नहीं कीता गया इस ने केरी नस्ल होनी चाहिए ईद वास्ते सही वाल क्रॉस हो या नहीं ना सही वाल क्रॉस प्योर प्योर सही वाल और इन्हें नहीं दे रहे हिक टाइम ने खर्च किया ये तो जी जितना इन्हें खवा उतना थोड़ा है अच्छा घ्यू इस्तेमाल करें जरा सा देसी खेने घ्यू भी देने हैं वंडे देने हैं कणक डाला देने हैं घास बंदे तो इन्हें गुवारा थे मक्खनी देने हर शय देने तो तरह ही शायद चीज बननी है तरह ये चीज बननी तुसा वाकई देखने पयो कि बड़े खूबसूरत प्यारे है कलर है तो इस ना खर्चे ही बहुत ज्यादा और इस हुकूमत नी वजह तो ये आखने पैन के कदर नहीं इन्हें कीता गया कदर नहीं कीता गया तो सब बारले मंडिया जी खड़े ने फैसलाबाद बारले मंडिया गरीब बंदे खड़ ना सकने पहले पहल खड़े ने ना पहले भी नहीं खड़ा लेकिन शुरुआत तो थैंक रहने पे जितने महंगाई है यार एक फैल ली इतनी बीमारी उसी वजह तो दूजी गल है गरीब आदमी बाहर बन जाता है उससे बहुत सारा खर्चा असर पौना है कितनी महंगाई है किराए जितने है कि 50 दान गरीब हूँ 50 दान गरीब है नहीं पी है यानी कि सारा बुनियादी मसला इस गवर्नमेंट ने बच्चे जरा आना पे और डीजल पेट्रोल दे आना पेट्रोल सारी हर शायद असर है वजीर आजम साहब को तो किए पैगाम दे दो वजीर आजम साहब तो थे बात कर प्रोग्राम उसको दे वहां था साहब भी तो जी साहब जो थे तो क्या प्रोग्राम ही दिवा था पिछले 3 साल तो हुकूमत करे आने और इमरान खान भी उन्हें हुकूमत तो सारे वादी गल जी नहीं सारे वादी गल होया तो बात ये गल करा था पेट्रोल सस्ता कर सके थोड़े वास्ते जी कर सकन तो लेकिन मुसलमान नहीं करण वाले बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अच्छा भाई जान तुसा मेले ते आए हो ता इस बारे तो के आक्सो के ए जरे तो चोखरी चेने खा लेओ मांग जरे ते मेला ठड्डा या गरम है यारो साको तो लगना पे के मेला ही ठड्डा है क्योंकि चोखर जानवर ज्यादा आ गए ते गाह घाटे क्योंकि ऐसे हालात गुजरने पे मौजूदा ए 2-3 महीने थे जरे ता लोगों ने कुवत खरीद जे रही है ना समझ उन्होंने हद मुक गई है सकत खत्म हो गई जी उन्होंने कुवत खरीद है भी कोना गिनी नहीं सकने जरा बंदा कुर्बानी करना खेना 1.5 लाख का चोर करना औसत लाख ही नहीं भर सकना क्योंकि इस बकरीद हर बंदे तो यानी उस्ताद तो बाहर थी की यार देखो ना सियासत तो हट के गल करा ईमानदारी है कि इंसान खुदाबंदी गल करना है देखो जेरे हालात चलने पे दू वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल नाल बंदे ने गुजारा थी ना पे बड़े औखे हालात चलने पर इससे बकरीद बंदा साहब है थी तो कर गिना है वो तो 5 लाख ने चोकरो सामने वेके खले दू 2.5 लाख ना मसाल है बिल्कुल दू जोड़ा वेके खले 5 लाख ना अल्लाह पाक को नसीब करो गिन थकने लेकिन जेरा बंदा 20,000 रुपया 15,000 ला के गिन गिन आज ना वो उसने थी उसको नहीं चोखना रेट ज्यादा कौन नहीं चोखर उस रेट देख लेन डा 20 महंगा बिकना पे ये फर्क लेकिन खरीदार नहीं कोवत कौन यानी कि ईद जारी है अपने यानी जैसे मैं जिन्हें पहले आख्या है कि ईद आई खुशी लाई वो गल कौन यार देखो ना खुशी तो हूँ गरीब बंदे वास्ते खुशी होनी है कि भाई चलो बकरीद कर गिन है बकरीद नहीं खुशी महरूम थी अपने बाल नाल बाह के यार उस खुशी तो महरूम नहीं थी क्योंकि कुर्बानी जल्द कर ही नहीं सके उसने तो ना तो कैरी खुशी बेचारे नहीं तो ऐसा लोगों को इतनी चाहिए कम अज कम एक हो रही मतलब सारे जरा असल कुर्बानी ना मकसद होना है कि असं कुर्बानी करने हाँ तो उन्होंने लोगों ने घर च वंडे देने जो लोग कुर्बानी करें रिश्तेदार है तो फलाने यार ठीक है तो हिस्सा जरा देना तो उन्होंने घर दो जितनी कुर्बानी कहीं नहीं की मस्कीन और हकदार हकदार हो जाए जै नहीं की हकदार है ना तो जै नहीं की असा डुआ उन्होंने घर बंडा सारे तो गोश तब्दील करने वाली गल है मैं तो कहना तो अस अगर सारे खुद अमल करा इस गल के हकदार को वहीं कित गोश डुवा चा तो मैं तो कहना अल्लाह कहीं उन्हें खुशी दबाला थी बस बड़ी प्यारी इन्हें गाल की थी कि भाई जेरे भाई ईद करें उनको गोश्त भाई ना दिता वाने जे बल्कि जेरे ईद नहीं रल लें अपनी हस्ती मुताबिक वो ईद नहीं कर सकने गरीब मस्कीन उनको अपना हक दिता करो तो उस तो बाद इस जेरे हुकूमत ने मौजूदा हालात चले पे है ना तो इस महंगाई ना जरा तूफान आ चुका है इस गवर्नमेंट ने बच्चे ये क्या खिसो तो अपने नजरिन साको तो इन लगना है कि जै इन्हें को आंदा है ना हर अल्लाह पाक भला करे इमरान ना अखियाँ जो खोलियाँ सर कहनी हाँ मैं जब बंदा फौज ने कोई गाल कर तो मैं कहना गाल कटे ना पे फौज ने गाल क्यों करना पे फौज ने गिला क्यों करना है लेकिन जेरे इस हुकूमत को आने वाले तो क्यों पता है साकू पता है आंदा है इन्ना आवाम ने जड़ कट रखी है
यार पिछली हुकूमत से 150 पेट्रोल चलना पे आज था ठीक है उन्होंने तनकीद की थी मौजूदा गवर्नमेंट इमरान हुकूमत से यार 150 रुपये मांगा है 70 रुपये था यार बात तुम हिम्मत तो करो ना तो आपको पता नहीं चलना 150 रुपये चलना पे 70 तो नहीं ना सोच के आया ना तो उससे अमल करें ना बजाय 150 ने 70 करो नहीं ना 300-250 गिन खड़ा है। और उस बाद इमरान खान एक गल खेला कि मैं रूस तो सस्ता तेल और सस्ती गंदम गिन के आना पे हम हमेशा तो जेरी चीज़ खरीदी वेनी तो वेची वेनी तो मुनाफे तो वेची वेनी है कोई घाटा नहीं करना अगर असा जितों हूँ गिने पाया पेट्रोल गिने पाया जेरे मुल्क कान तो जाहिर है सब को महंगा मिली तो महंगा वेखसा चाहे PTA ने गवर्नमेंट गिने या मौजूदा गवर्नमेंट गिने मांगा गिन के मांगा इमरान के किया उस अला अमल तैयार किया पहले उस वाई के रूस ना वादा किया कि भी मेरे को तेल ही सस्ता रहो मेरे को गैस सस्ता रहो आवाम वास्ते देखो आवाम वास्ते खैर खा हो तो आज ही रूस को गिन सके रूस ने को ऑफर करना पे लेकिन खैर खा आवाम ने ना इन आप खैर खान आज रूस को तेल गिने तो मैं कहना इन्होंने जे सारे साथ बंद थी वजन रशियन ने जे यूक्रेन का मामला चला है तो रशियन जितनी हैं इन्वेस्टर सारा ने वाई के ब्लॉक थी गया अकाउंट मुझे मिन थी गए उन्होंने सारे पैसे फैक्ट्रियां जेरिया यूरोप ने बेचियां सारी ब्लॉक थी गई बंद थी गई तो इन्होंने पैसे तो बाहर पाए ना मौजूदा गवर्नमेंट जेरे भी हैं इन्होंने पैसे बाहर इन्होंने पैसा नहीं चिंता है इन्हें कोई फिक्र कौन यार था रूस का तेल सस्ता कहने के आवाम को रिलीफ दवा बजाय अपने पैसे बचेने पैन तो अल्लाह पाक इन्हों को हदायत दे असा तो सोचा कि निकला असा बहार यार PTI को वोट न दियो यार अपने हक वास्ते गाल करो जेरी जमात निकले उस नाल दू बंदे टुर पो यार खलोते हां ता अपने हक वास्ते निकले असा असा की करने ओ जेरा सियासी है ना ओ हर शे तब्दील करने थी किने यार सियासी सियासी नाल ता कहला कुलसा चाहे समाजी वर्क करे रहनुमा है समाजी चाहे कोई सियासी कहे पार्टी तलड़ खेने सारा आवाम असा अपने हक वास्ते कम अज कम महंगाई ने तो आज तकरा चने यार और उस तो बाद ये ठीक थी ना पे यकीन करो पीछे मतलब एक रैली कहीं कटी चाहे PTI कटी चाहे जमात इस्लामी जेर जमात कटी यार आवाम निकली नाल नहीं की मतलब आपने हक वास्ते निकलो ना इस वास्ते तो मुफ्ती असमील भी आखे है कि असा तो समझा कि पेट्रोल मांगा कर सा पता नहीं के आवाम करे थी लेकिन आवाम निकली नहीं इस बारे बल्कि देखो ना 129 डॉलर ना फी बैरल है तेल ना तो 150 रुपये इमरान देना पाई तो यार अगर इमरान 150 देना पाई तो 103 त्यार लगे तो तुम यार घटाओ ना कि किस वास्ते इकट्ठे करने पे आखने के वजीर आजम जरा सा इमरान खान है वो पहले मैदा कर चुका है कि चलो मैदा कर चुका है तो ना आयो ना यार करो ना काम अपना क्यों आने इन्हें इस वास्ते आया इस मंशूर वाला यान देख नवे बंदे ना इमरान नवा बंदा ये 30-35 साल तो घूम चाहे कल्याण इन्हें कुछ इस चीज़ ने पता आई कि ये हालात इन इमरान एक काम की कल है जिन्हों खेने गड्ढे खड़े सारे वास्ते तो यार इन्ना होना आना यार उसको पूरा पीरियड काम करो ना उसको अपना 5 साल गुजारो ना तो बाद उसके बाद इलेक्शन चाहना आवाम चाहना जाहिर अगर महंगाई की थी इमरान तो इमरान को वोट लोग न दे बया इन्हें को दे बया अल्हम्दुलिल्लाह असा कहने अच्छा थे इन्होंने आने वाले ठीक है साहब को पीरियड पूरा नहीं करना देना PTI को इन्होंने आने वाले ये अच्छा थी गया कि अखियाँ खुल गया नवाम ने कि यार इन्ना की रहा किस वास्ते बते यार मौजूदा और गवर्नमेंट किस वास्ते बती है ये तो सिर्फ आपने पेट वास्ते बती है आवाम ने खैर खाते हैं नहीं ना। बहुत शुक्रिया बड़ी प्यारी गलें इन्हें कीतियाँ जी तो आवाम को बड़ा अच्छा मैसेज देता है कि भाई तुम निकल सो बाहर तरह ही अपने हक वास्ते निकलो हक वास्ते निकलो देखो कैं तो एहसान नहीं करना इमरान तो एहसान इन्हें करना मैं निकलना है अपने बच्चों वास्ते निकलना है मैं कह रहा इमरान तो एहसान करना यार मेरे एहसान तो उसने मेरे वास्ते तू निकल पो मेरे सामने तू निकल पो अगो निकल पो मैं गई तो मैं तेरे पे डर पता यार क्यों मेरे वास्ते तू निकलना पाया ना लीड करो ना बंदा सारे हे तो असा पीछे वजह ना यार उसने उन्हें बिल्कुल हक वास्ते तो ये अलहमदुल्ला असा शुक्रिया अदा करने शुभाष शरीफ तो PTM ना ये इन्ना आता है अपने आप को मिसाल जेरे तरीके भावें बूट पॉलिश की जिस तरीके ए ना अखियाँ वाम ने खुल गई तो अपने आप को दिखा लेने जगह सारी की ताकत है मुल्क चलाउनी तो इमरान की ताकत है मुल्क चलाउनी असा इस वक्त वत्याम जी कमर मशानी मंडी थे उस तो बाद सोको असा इसने मौजूदा हुकूमत ने हालात दिखे और महंगाई के बारे भी असा सोको दिखे कि उस सारी को मौजूद है एक भाई इतने अपनी दुकान चलाई और इन्होंने पूछने कि मौजूदा हुकूमत ठीक है या इमरान खान की हुकूमत ठीक है असा तो कहना इमरान खान ठीक है इमरान खान की हुकूमत किने ठीक है इमरान खान ये है कि अपने हिसाब नहीं महंगाई आई जेरी आलमी मंडी थी आई तो महंगाई थी आई वरना महंगाई नहीं थी करदा लोड़े था आवाम और उस बाद ये सब्जी ने रेट नहीं किए ये तो अपने हिसाब में महंगाई खाद चोना दार गटू थी गया इस तो आप या महंगाई करनी करनी सब्जी ने ले वो डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया तो यही सस्ती हो गया हर शे सारा यानी कि बुनियादी काम है डीजल पेट्रोल दे डीजल पेट्रोल ते खाद इस वक्त वोट क्या दे दो वोट सारा खान साहब नवाज शरीफ होना क्यों नहीं दे नवाज शरीफ होना तो लानत भेजा डबल रेट वजह वजह ये कि थोड़ो वो मुसलमान है नहीं ना गवर्नमेंट 2000 रुपये देनी है 2000 रुपये वो आप ला के घिनोन चा
ساکو نے لوڑ کو نہیں یہ اتنا بڑا ڈو دا او بھیک دے نے بن انسان کو نہیں ہے کہ عمران خان تو 14000 بھی دینا پیا ہاں دینا پیا تو 14000 تھا 2000 تھا نہیں 2000 روپے تاج کا بال ہی نہیں کہنا ایک بندہ کہنا میں 2000 چوکر کھڑا تھا کسائی کو دیا تھا پہلے 2000 کنے چوکو چوکری گدام تے میں کسائی کو دیا تھا کسائی کو دیا تھا ہاں وہ تو بہت بڑا دل والا بندہ ایو تے بہت ملو دو چچڑ والی بیماری والا ملو تو گل وکھری بہت شکریہ اور موجودہ ریٹ کے ریٹ لسٹ بھی بھائیوں کو موجود ہے تے اس تو بعد تسا سنو سی کہ آمب آ گیا تے بھائیوں کو بڑا زبردست آمب ہے تے انہاں کو پوچھنا بھی آمب نے ریٹ کی السلام علیکم وعلیکم السلام نا کیا تھوڑا جی میں نا خان ہوں اور اس تو بعد آمب نے کی ریٹ دسے اے آمب چٹا چونسا 150 روپے نا اے ہی دیسی آمب 80 روپے کلو اس تے اس نے فرق کی اے اس نے فرق اے میٹھا نہیں تے اے ہے میٹھا اے آمب نا بادشاہ ائی اور اس بعد جڑا ایک لنگڑا آم ہونا ہے وہ لنگڑا کیوں ہے او بس نا ہر قسم نے بوٹے نے آم جو ہیں تا ہر قسم متھاج تے نہیں ہونا مٹھاس جو سی اوئی زیادہ مٹھاس جو زیادہ ہونا ہے نا متھاج تے نہیں نا نا متھاج نہیں تینے نا رکھو ہے نا بے لنگڑا ہے اور اس بعد جڑی قیمت تے مہنگائی چنگائی تھئی ہے تا اس بعد تھوڑے کوئی ریٹ ودن مہنگائی تھئی ہے تے بعد مہنگائی دے نال شہر ریٹ تو ودنا ہے لوگ ہی تو کھڑے نہ پے کہیں روکا تو نہیں آج تک آپ کو بھائی کرنا بھائی میں نہ کھڑا آن 200 کہنے ہیں تو 200 بھی دینے 150 کہنے ہیں تو 150 بھی دینے انچا اچھا یعنی کہ کوئی اس تے آواز نہیں گال نہیں کرنے کوئی کوئی او کو نہیں اعتراض نہیں کرنے مدافع نہیں پلے نا نا کوئی مدافع نہیں پلے نا اگلا کھڑے نہ سودا سونا سودا کھڑے نہ ریڈ نال ووٹ کیا کو دے سو ووٹ سارے ہی کون تے نا نا چے نہیں اچھا تو یعنی کہ ووٹ کو نہیں تو اور اس تو بعد موجودہ حکومت تے عمران خان کی حکومت کی فرق ہے یار دوہیں نے وچ منگائی ہے اودے جی منگائی دے دے جی منگائی ہے اودے تھوڑی منگائی گھٹ ہے تے تھوڑی زیادہ ہے تھوڑا اکھن مقصد جے حکمران یانہ ہو اکھن ہے کہ خزانہ خالی پہ منگائی ضروری ہے منگائی ضروری تے ہے ایتھے اپنا کھانے پینے پے کمینے پے تا کرنا ہے نظام چلا کرے ہاں نظام چلنا پے منگائی کو نہیں تین جو اساں کھا منگائی ہے تے منگائی ہے تے وتا منگائی تے وتا ہن اے کیڑی جا تے کو نہیں ہر جا تے جے ملک جی وانا افغانستان جی منگائی ہے 180 روپے تیل ہے بہت شکریہ جی